हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे BEGC 111 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अ टेस्टिमनी ऑफ आवर इनएक्सॉस्टेबल ट्रेजर। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको लिखा है पंडिता रामाबाई ने। इनका बर्थ 23 अप्रैल 1858 में हुआ था। इनकी मदर का नाम लक्ष्मी बाई और फादर का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था। ये एक इंडियन ऑथर है और एक पहली ऐसी विमेन है जिनको पंडिता टाइटल से अवॉर्ड किया गया। ये एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं साथ ही साथ, और विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं इंडिया में। इनका ये एक प्रिविलेज था कि इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी एनलाइटेंड थी, मतलब एक तरीके से वो ऑर्थोडॉक्स भी थे, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी बाहर फॉरेन लैंग्वेज को लर्न नहीं करना चाहते थे, उनके बारे में नॉलेज लेना नहीं चाहते थे, वो आउट ऑफ दियर बाउंड्रीज था। पर वो ये सोचते थे कि विमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो किसी कारण की वजह से रामाबाई के जो पेरेंट्स थे वो पॉवर्टी में धंस गए, जिसके कारण वो एक रिलीजियस वैग्रेंट्स बन गए। मतलब उनके पास कोई घर नहीं था, वो एक नोमैड्स की तरह इधर से उधर जाते थे। जहाँ उन्हें थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए जगह मिलती थी वहाँ पे वो रहते थे। वहाँ वो जो है स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे, उनको पढ़ के सुनाते थे लोगों को, जैसे टेम्पल्स में पढ़ के सुनाते थे। तो कई लोग उन्हें जो है एज अ रिस्पेक्ट के तौर पे फ्रूट्स दे देते थे या स्वीट्स दे देते थे। ऐसे ही करके उन्होंने अपना लाइफ को काट रहे थे। रामाबाई एक फाउंडर भी हैं आर्य महिला समाज की, जो कि वर्क करता है फीमेल एजुकेशन के लिए और फाइट करता है चाइल्ड मैरिज को अपोज करने के लिए। रामाबाई इंग्लैंड भी गई थी मेडिसिन की एजुकेशन लेने, लेकिन जब वो वापस आई तो उनको डेफनेस हो गया था, सुनने में तकलीफ़ हो गई थी, जो कि क्योर नहीं हो सकती थी, सही नहीं हो सकती थी, जिसके कारण उनका इंडिया के डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा नहीं हो सका। जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि उनका जो रिलीजन था हिंदुइज़्म, वो उन्हें वो सब नहीं दे रहा है जो वो चाहती थी, उनके आइडियल्स से मैच नहीं कर रहा है। तो इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन बना लिया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ऐसा उन्होंने पढ़ा था कि क्राइस्ट जो हैं वो डाउन ट्रोडन लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, जो कि उन्हें बहुत अच्छी बात लगी और यही वो अपनी लाइफ में सर्च कर रही थी। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही पंडिता रामाबाई की जो लाइफ हिस्ट्री है इस ऑटोबायोग्राफी में, वो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेंगी, क्योंकि वो उस टाइम पे जब वुमेन को इक्वल राइट नहीं मिल रहे थे या उनको एजुकेशन भी नहीं मिल रही थी, उस टाइम पर वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी। उन्होंने एजुकेशन ली, मानो उनका एक प्रिविलेज था, पर उसके बाद भी उनके अंदर भी एक डेयरिंग नेचर था उनका, और इस वजह से वो इंडिपेंडेंट बनी। वो बहुत एक रैशनल ह्यूमन बींग थी। उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनकी लाइफ एक प्लेन सेलिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर टाइप की थी, लेकिन फिर भी वो सामने आई एज अ बोल्ड वुमेन, जो कि हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेंगी। तो अब हम आ जाते हैं इस ऑटोबायोग्राफी की समरी के ऊपर कि आखिर है क्या इस ऑटोबायोग्राफी में। आई होप आप लोग जो टेक्स्ट दिख रहा है स्क्रीन पर सबका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, एकदम नोट्स के फॉर्म में है, आपके बहुत काम आने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी। अ टेस्टिमनी ऑफ आवर इनएक्सॉस्टेबल ट्रेजर एक ऑटोबायोग्राफी है, और अकॉर्डिंग टू पंडिता रामाबाई ये उनकी एक स्पिरिचुअल ओडिसी है। स्पिरिचुअल ओडिसी का मतलब होता है स्पिरिचुअल जर्नी। इन्होंने इसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए कहा है क्योंकि इस जर्नी में इन्होंने अपने रियल सेल्फ को पहचाना, इन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी देखी जो इनको पहले अननोन थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं और बोलती हैं कि उनका चाइल्डहुड एक बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल टाइम था, और उसको वो एक ऑनरेबल हेरिटेज नाम देती हैं। वो बोलती हैं कि उनके फादर बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, पर एक रिफॉर्मर भी थे, क्योंकि वो वुमेन्स एजुकेशन के फेवर में थे, और उन्होंने
इसी के चलते अपनी वाइफ को अपने डॉटर को संस्कृत में ट्रेन भी किया। उन्होंने कोई फॉरेन लैंग्वेज लर्न नहीं की, उनके लिए उनकी लैंग्वेज सुपीरियर थी। पॉवर्टी के चलते वो एक नोमैड बन गए। वो ट्रैवल करते थे इधर से उधर इन सर्च ऑफ वर्क, कि उन्हें कहीं पे वर्क मिल जाए। वर्क था उनका स्क्रिप्चर्स को रीड आउट करना, जिसके बदले में लोगों ने फ्रूट्स वगैरह दे देते थे, जिससे उनका काम बन जाता था। और ऐसे ही वो अपनी लाइफ को जी रहे थे। एक चैप्टर आता है इनकी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है फेमाइन डेथ एंड डाउट्स। इसमें लिखती हैं उस हार्डशिप्स के बारे में जो इन्होंने फेस की अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। ये बोलती हैं ड्यू टू क्रॉप फेलियर लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, और जब खाने के लिए नहीं था तो लोग इनको कुछ दे भी नहीं पा रहे थे। तो इनके पास कोई वर्क नहीं था, इनको एक ही काम आता था जो कि था स्क्रिप्चर्स को रीड करना। और ये बेग नहीं कर सकते थे, खाना नहीं मांग सकते थे डायरेक्टली, और ना ही कोई इस कंडीशन में थे कि कोई छोटी मोटी जॉब कर लें। इसी के चलते इनके फादर की, मदर की, सिस्टर की, सबकी डेथ हो गई कुछ ही महीनों में, और ये और इनके ब्रदर ही थे जिन्होंने सर्वाइव किया और बाद में जाके सारा इंडिया ट्रैवल किया। इनके पास कोई लग्जरी नहीं थी जिस पे ये ट्रैवल कर सके, तो ये पैर से चलकर जाते थे। और मोर देन 4000 माइल्स जो है इन्होंने ट्रैवल कर लिया। ये गए साउथ से नॉर्थ में और फिर गए ईस्ट से वेस्ट में। तो ऐसे करते करते इन्होंने जो है सारा इंडिया घूम लिया। और इंडिया जब वो ऐसे घूम रहे थे, तो यही एक फेज था जब रामाबाई को पता लगा कि उनका रिलीजन जो है ऑर्थोडॉक्स है, और वो उन्हें वो सब नहीं दे पा रहा है जो वो चाहती हैं। और वो तब कांटेक्ट में आए कलकत्ता में हिंदू रिफॉर्मर्स के और क्रिश्चियंस के, और उन्हें तब पता लगा कि हिंदुइज्म में विमेन को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जिसके कारण वो कभी सेल्वेशन नहीं ले पाएंगी, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है, वो रैशनल नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में जो है विमेन को, डाउनट्रोडन लोगों को क्राइस्ट जो है अपलिफ्ट करते हैं, और इसी के चलते उन्होंने क्रिश्चियन बनने का फैसला लिया। एक दिन बंगाल में उन्हें एक पैम्फलेट मिला जिसमें सेंट ल्यूक की गॉस्पेल थी बंगाली लैंग्वेज में, और इन्होंने तब तक बंगाली लैंग्वेज सीख ली थी क्योंकि तब कलकत्ता में थी। और इन्होंने जब उसे पढ़ा तो इन्हें ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफॉर्म कर लिया खुद को। इस न्यू रिलीजन से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ अपलिफ्टमेंट चाहती थी, तो उनको वो अपलिफ्टमेंट यहाँ से मिल रहा था। क्रिश्चियनिटी के लिए वो बोलती हैं कि क्रिश्चियनिटी एक बिल्कुल ब्राइट लाइट की तरह है। पहले वो एक डार्कनेस में थी और क्रिश्चियनिटी उन्हें एकदम ब्राइट लाइट की तरह लगा, और इसीलिए उन्होंने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट।